जमाला खूब ठंडा है क्षिप्रा वेत्रवती महासुरन देखाया था गया गंडकी। ये क्या कर रहे जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है नारा। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का, वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। अच्छा बोल तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। मैं काम करूंगा। खाना पकाना आता है? ते भैया मुझे नहीं मालूम। ठीक है तो बर्तन धो लेना। अच्छा ठीक है। नाम कह रही तेरा? देखो भैया। बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है। तुमको गाना गाने आता है? नहीं भैया। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। भैया क्या रे? करते क्या हो? मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। आप चाहते क्या हो, क्या करा जा सकता है आपके लिए? मेरे वडील ने बोले तो मेरे बाप ने बहुत मेहनत करके ये घर और गराज बनाया था। बहुत मेहनत किया था मेरे बाप ने, फिर माँ बीमार पड़ी, उसके पीछे बाप को बहुत कर्जा हो गया और कर्जा चुकाते चुकाते मेरा बाप मर गया। मेरे को मेरा बाप का इच्छा पूरा करने का है। मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का एक एक रुपया चुका के बार कुर्सी डाल के एक दिन के लिए भी मेरे को गर्दन उठा के बैठने का। मुझे यूपी का इलेक्शन जितवा दो फिर देखना मैं क्या करता हूं। करेगा क्या रे तू? हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। कितना चला के देगा तू? एक नया आइडिया आया है। तू अब क्या धोती बेचेगा मेरा? चौकीदार की जेब से आएगा वो 20 लाख के तेरे पास जब चल के आने वाला है। हाँ भैया। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। गणपति बापा, ये मंगल मूर्ति विनायका। ला बाबा ला। मगर हमने वो नीरव मोदी को दे दिया, आपको नहीं मिलेगी। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। आओ भैया और दिखाएंगे तुम्हें, आ जाओ। पकड़ मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? जान, अरे पकड़ ना रे बाबा, चलिए ना पकड़ मेरे।